up my face in the mirror, and I wonder what I see. I'm just a traveling soldier, and I'll be all I can be. But right now, तमाम लोगों के लिए बड़े ऑनर की बात है कि मोहन साहब हमारे इस जिम में, छोटे से जिम में आए हैं, और हमेशा हम तमाम लोगों को इंकरेज करते रहते हैं। मुझे भी जो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जो सिलेक्शन हुआ था, आपने ही मेरे लिए कोशिश की थी और मैं वहां तक मिस्टर वर्ल्ड तक जो पहुंचा, आपके एसोसिएशन के थ्रू पहुँचा। और तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो हमारे स्टेट के बॉडी बिल्डर्स को वहाँ तक, मिस्टर इंडिया तक ले जाती है, और इंटरनेशनल लेवल तक जो बॉडी बिल्डर्स यहाँ से जाते हैं उसका सारा सेहरा मोहन साहब को रहता है। और आप हनुमान व्यायामशाला में 40 ईयर से बॉडी बिल्डिंग के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारे बीच आप मौजूद हैं, हम यहाँ पर वेलकम करते हैं, और साथ में हमारे सुनील सिंह साहब का भी वेलकम करते हैं जो जज हैं IBBF के इंटरनेशनल लेवल पर। हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। मैं तमाम बॉडी बिल्डर्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी अगर अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा अगर वर्कआउट करेंगे, तो आप लोग भी मिस्टर इंडिया में सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि हमारे बीच दो बॉडी बिल्डर्स मौजूद हैं, एक तो वाहिद जो 17 साल 18 साल से ये भी वर्कआउट में हैं, आप अभी अभी मिस्टर तेलंगाना में आप गोल्ड हासिल किए हैं, ये मिस्टर इंडिया के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे बीच मोहम्मद आसिम हमारे बीच है, ये भी मिस्टर इंडिया के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। आप लोग जितना जैसा करना चाहेंगे इंकरेज करने के लिए रेडी है,
और उसके लिए लेकिन हमको मेहनत करना है। आप लोग अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करिए, जैसा कि अभी अभी सुनील सिंह साहब कह रहे थे कि यहाँ पर से इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक बॉडी बिल्डर्स हमारे जिम से जाएंगे। ऐसा जिम यहाँ पर है। अब मैं चाहूँगा कि मोहन साहब कुछ आपसे बात करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ पे मेरे बुलाए, मैं बहुत छोटा आदमी, बड़ा आदमी बुलाए मेरे को, मैं कभी जाता नहीं किधर भी। मैं उद्देश्य मेरा ऐसा खास आदमी है, तेलंगाना वाइट एसोसिएशन के खास आदमी से एक आदमी है, और जैसे आदमी बुलाया बोल के मैं आना पड़ा यहाँ पे। उसी के बाद आप सब लोग मिला, मैं आपका एक्सरसाइज देखा, इतना इक्विपमेंट है, ज़रूर एक साल के अंदर ये दो तीन लोग इंटरनेशनल जा सकते हैं। इक्विपमेंट तो ला के लगा है साहब, और आप मेहनत करना, आपका किस्मत भी हो, बहुत कोशिश करके मेहनत करना डेली, आपसे नहीं होना एक दिन भी बैडमिंटन करना, पैसा भी निकलते अच्छे, चलो पूरे ऐसे निकले से जो भी बार बनता, बहुत मेहनत करके निकलना, आप लोग कोशिश करो ने स्टेट में पर बाद में नेशनल में बाद इंटरनेशनल में, मैं जितना हो सके सब लोगों को कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच। आप जो यहाँ पर आए हैं, आपको इन्वाइट किया गया है, आप उसकी तरफ से मेरे को यहाँ इन्वाइट किया गया है। मुंदेश्याम जी है ना, बहुत पुराने बिल्डर हैं तेलंगाना के, इंटरनेशनल बिल्डर हैं, उन्होंने बहुत कम लोग हैं अपने तेलंगाना में, इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे बिल्डर आए हैं, उन्होंने जिम ओपन करे देखिए बोलते मैं आया, और इतना खुशी हो गया मेरे को, इतना बड़ा जिम मैं कभी देखा भी नहीं, ऐसा जिम है यहाँ पे। अगर डेली पे अगर प्रैक्टिस करते तो बहुत से लोग निकल सकते हैं, स्टेट चैम्पियन है, नेशनल चैम्पियन है, इंडिया के बाहर जा सकते हैं, वैसे ये अमेरिका में जो कॉम्पिटिशन होते हैं मिस्टर वर्ल्ड मिशन वगैरह उसे भी कर सकते हैं, वो टाइप का जिम है ये, अभी तक ऐसा देखा ही नहीं मैं, बहुत काफ़ी जिम है अभी तक, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, मैं भी जाते रहता हूँ जिमों को ऐसे बुलाते, मगर ऐसा इक्विपमेंट दिखे देखा ही नहीं मैं, बहुत काफ़ी इक्विपमेंट है। मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि डेली एक्सरसाइज करना सब लोग। ये सर, आप 40 साल से इस फील्ड में हैं, आप कुछ टिप्स देंगे इस बॉडी बिल्डर्स को? 40 साल से आप इस फील्ड में हैं, कुछ टिप्स देंगे बॉडी बिल्डर्स? मैं ऐसा ओपन दे सकता नहीं, ये वर्कआउट करते वक्त कौन सा मसल वीक है, परसों मेरे घर आए थे ऐसा आसिफ आए थे, उनको टिप दिया मैं क्या क्या मसल वीक है, ऐसा इंडिविजुअल दे सकता हूँ, मगर ऐसा कपड़ों पे ऐसा देख के देना मुश्किल है, उनका वर्कआउट देखना चाहता हूँ, उनका मसल देखना चाहता हूँ, क्या काम है, फैट है या कुछ है, मसल कौन सा मसल वीक है, किसको कौन सा एक्सरसाइज करना, ऐसा टिप दे सकता हूँ मैं कितने की। मैं इंडिया में इंटरनेशनल में जज भी हूँ, इंडिया के कोच भी हूँ, मैं इंडियन टीम कोच हूँ मैं, तो ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं दे सकता हूँ अगर वर्कआउट करते वक्त आगे देख के जिनको जो मसल वीक है कौन सा वर्कआउट करना और क्या प्रोटीन लेना, उन्होंने डाइट कैसा लेना। इंटरनेशनल की 6-8 लोग मिस्टर यूनिवर्स चले गए अपने गाने से, 6-8 लोग मिस्टर यूनिवर्स मिडिल लाइफ से, उसमें बुद्धिशाह वाले भी एक आदमी है, पहले इंडिया में फर्स्ट इन्हों ही लाए से, बाद में लोग लाए, मगर इन फर्स्ट आए जो लाए अपने इंडिया को। सर मदर शम साहब जो है यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे मशीन लाए, उसके बारे में कुछ बोलिए। कौन सा मशीन जो लेकर आए हैं? मैं बोल रहा हूँ ये मशीन अभी तक मैं देखा भी नहीं इंडिया में, उससे लेटेस्ट मशीन है, और इसमें अगर करेंगे ना डेफिनेटली बनते चैम्पियन है, हर एक मसल को सेपरेट सेपरेट मशीन है यहाँ पे, थोड़ी जगह पूरे मसल को नहीं रहता दूसरा ऐसा रहता, यहाँ पे जो है ना इक्विपमेंट हर एक मसल को सेपरेट मशीन है, और इतना ईजी मूवमेंट है, वैसा मूवमेंट है, बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट है, बहुत अच्छा बना है, अभी तक देखा नहीं है मैं। पहले में और अब में जिम के में कितना फ़र्क आया सर? ईजी नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा, अभी पहले इंडिया में मिलते इक्विपमेंट मिलते थे, अभी बाहर से जो मंगा रहे ना वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट है ये। पहले जो है मैनुअल होते थे, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक हो गए? नहीं, मैनुअली करना पड़ता, इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी बढ़ गया, हर एक आदमी जिम पे करना पड़ता, एक दिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, मैं टेक्नोलॉजी अलग अलग ऐसे नए नए मशीन आ रहे हैं, उसमें ये बिल्कुल लेटेस्ट है जो लाए सो। थैंक यू। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मोहन साहब यहाँ पर आए हमारे बीच और आके इस जिम को देखे, इक्विपमेंट को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1.5 मंथ हुआ ये जिम स्टार्ट होके, और उस टाइम पे सर अवेलेबल नहीं थे, बाहर थे, तो मैं उस वक्त साहब को मैं नहीं बुला सका, तो मैं चाह रहा था कि साहब यहाँ पर आएँ, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि एक 40 इयर्स का एक्सपीरियंस रखने वाले सर हमारे साथ में हैं, और तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग जो एसोसिएशन चल रही है
ये तकरीबन 45 साल के करीब एसोसिएशन है और उसमें सर 40 साल से काम कर रहे हैं और कई एसोसिएशन आते रहते हैं, बनते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन आपका जो सपोर्ट है बॉडी बिल्डर्स के ताल्लुक से, जैसा कि आपने मुझे सपोर्ट किया 2007 में अमरावती में हिंदुस्तान श्री कंपटीशन हो रहा था, उसमें मिस्टर यूनिवर्स का सिलेक्शन ट्रायल था, तो साहब मुझे अपने साथ ले गए वहाँ पर, मैं हूँ और संतोष कुमार हैं, दोनों बॉडी बिल्डर्स को ले जाके वहाँ पर पार्टिसिपेट कराए और वहाँ पर हमारा सिलेक्शन हुआ। यह और बात थी कि उस वक्त वीज़ा नहीं मिला था यूनिवर्स के टाइम पे। फिर उसके बाद पूना में एक कॉम्पिटिशन हुआ था मिस्टर इंडिया, जिसमें हमारे सुनील साहब भी एज ए जज वहाँ पर हमारे टीम के साथ में मैनेजर थे, वो भी चले, तो वहाँ पर हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद मैं मिस्टर वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट हुआ। यहाँ के जो स्टेट के बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने बॉडी बिल्डर्स सीनियर है, जूनियर है, ये तमाम बॉडी बिल्डर्स आपके हाथ पे तैयार हुए। और एक अच्छी बात ये रहती है कि जो जजमेंट जो आपका होता है, जो डिसीशन होता है, एक कॉमन 4-5 जजेस जब डिसीशन लेते हैं, उसके बाद में साहब का जो मेन डिसीशन होता है, आप चीफ जज हैं तो आप देख के डिसीशन लेते हैं, और ऐसा डिसीशन होता है कि आपके डिसीशन के बाद कोई उसके अंदर बात नहीं कर सकता। तो बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसमें अगर 4 बॉडी बिल्डर्स ठहरे तो चारों बॉडी बिल्डर्स एक कॉमन आदमी को सेम दिखते हैं, लेकिन जब कोई जजमेंट करता है, जब जज की नज़र से देखता है तो उसमें क्या क्या कमी है, किस तरीके से मज़ल कौन सा वीक है, आप कह सकते हैं। जैसा कि अभी अभी साहब ने कहा कि हमारे बॉडी बिल्डर जो स्टेट से सेलेक्ट हुए हैं, आसिम साहब जो अभी प्रैक्टिस भी यहाँ कर रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ एक टेक्निकल जो पॉइंट होता है, आपने वो पॉइंट बताया, उसके ऊपर आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो मिस्टर इंडिया के लिए वो सेलेक्ट हो चुके हैं। मेरा मकसद ये है कि साहब के अंडर में हम काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का साहब ने वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया स्टेट का, लेकिन मैं कोई पोस्ट के लिए मैं नहीं चाहता कि कोई पोस्ट मुझे मिले और मैं काम करूं, मैं साहब के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूं। साहब जिस तरीके से एसोसिएशन की खिदमत की है, बॉडी बिल्डर्स के लिए कुछ किए, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी बॉडी बिल्डर्स के लिए कुछ करूं और मैं भी खिदमत करूं। जैसा कि मिस्टर तेलंगाना होता है, मिस्टर हैदराबाद होता है, मिस्टर ट्विन सिटी होता है, जो भी कंपटीशन होता है वो अगर एफिलिएशन तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के साथ है तो वो वहाँ पर कंपटीशन कर सकते हैं। तो जजमेंट आपका होता है। मैं ये चाहता हूँ कि कई एसोसिएशन लोग बना रहे हैं, जैसा कि तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से निकल के कई 2-3 नामों के एसोसिएशन बन चुके हैं, जो हनुमान व्यायामशाला में साहब के अंडर में जो लोग काम करते थे अलग से एसोसिएशन बना के काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ से निकल के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक पार्ट के ऊपर अगर आप आ जाएं, एक डाइस पे आ गए तो काम अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि बॉडी बिल्डर्स कन्फ्यूज़ है कि वो एसोसिएशन में करना है या ये एसोसिएशन में करना है, तो साहब का ये रहता है कि बॉडी बिल्डर का फ़ायदा हो, कहीं भी करें लेकिन बॉडी बिल्डर्स का आप फ़ायदा चाहते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि जो भी एसोसिएशन बना रहे हैं वो डम्मी एसोसिएशन से, तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से जुड़ के काम करिए, अच्छे कॉम्पिटिशन्स कराइए, क्योंकि ताकि जूनियर्स में इंकरेजमेंट आए पब्लिक में। जैसा कि मिस्टर वर्ल्ड में बनने के बाद कई लोग जिम ज्वाइन किए, कई लोग कॉम्पिटिशन में आए, पार्टिसिपेट किए, तो ऐसा कोई काम करना हमको चाहिए कि दूसरे जूनियर्स को भी मौका मिले और दूसरे लोग आगे आएँ। जैसा कि 15 ईयर्स के बाद हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ था, 15 ईयर्स तक कोई भी रेलवे तेलंगाना के बॉडी बिल्डर को जॉब नहीं मिला था, मुझे और संतोष को 15 साल के बाद जॉब मिला था, वो भी एक तारीख है। वो ये भी सहरा मैं चाहूँगा कि हमारे तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन को जाए, क्योंकि साहब के अंडर में हमने मिस्टर जूनियर इंडिया किया, मिस्टर इंडिया 7 टाइम्स हमने किया, कलकत्ता, मैंगलोर, केरला, चंडीगढ़, कहीं मतलब जब भी टीम जाती हम साथ जाके कंपटीशन करते, आप इंकरेज करते। तो मैं दूसरे बॉडी बिल्डर से यही कहना चाहूँगा कि वो तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से जुड़ जाएं, और अगर इंटरनेशनल जाना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा मौका है, आके एसोसिएशन के थ्रू अगर गए तो आपको फ़ायदा रहता। इंडिविजुअल अगर कोई जाता है या इंडिविजुअल कोई करता है तो उससे उसको फ़ायदा नहीं होगा, एसोसिएशन से जुड़ के जाना है। तो आप क्या करते हैं, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से जोड़ के लिख जाते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा होता है। आप अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप सिर्फ इंडिविजुअल जाके पार्टिसिपेट करें तो उसकी बात अलग रहती, आप अगर एसोसिएशन के थ्रू गए तो उसकी बात अलग होती। तो मेरा मकसद यही है
कि मैं चाहता था कि साहब को फेलिसिटेट करूँ हमारे जिम की तरफ से। वैसे तो आपका रिस्पेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा हमको करना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा गेट टुगेदर यहाँ पर रखा गया है और हमारे जिम के मेंबर्स भी बहुत इसके अंदर साथ दे रहे हैं। और माशाल्लाह से आप तमाम लोगों को मालूम है कि तकरीबन सिटी के बॉडी बिल्डर्स यहाँ पर आके वर्कआउट कर रहे हैं और तकरीबन हमारे पास 400 मेंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं और लेडीज़ का भी यहाँ पर फैसिलिटी है, जेंट्स की भी फैसिलिटी है। जैसा कि मेरा टारगेट था कि हैदराबाद में मैं चाहता था कि फ़िटनेस के अंदर मैं काम करूं और ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स, मतलब कहीं हम गए तो बॉडी बिल्डर्स, अगर वो बॉडी बिल्डर नहीं भी बना तो फ़िट रहना मेरी ये ख्वाहिश थी। अब मैं उसके अंदर 60% में कामयाब हो गया, मेरी ये जो ख्वाहिश थी। हम लोग 8 ब्रांचेस हमारे अब चल रहे हैं, 8 ब्रांचेस में बॉडी बिल्डर्स तैयार हो रहे हैं और कुछ हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। जैसा कि मैं आप इससे पहले भी हमारे 99 टीवी को, हमारे हसन साहब को भी हम इंटरव्यू में यही बोला था कि गुटखा है, चाय है, सिगरेट है, पान है, मतलब ख़राब चीज़ों से यंग बच्चे दूर रहें, इसका हमारा मकसद था और कुछ हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। और जो बिगड़े हुए हैं हम चाहते हैं कि वो इधर आ जाएं, फिटनेस की तरफ आ गए तो कई बुरे चीज़ों से, शौकों से दूर रहते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि हम हेल्थ और फिटनेस देना चाहते हैं। सर, आपको ये एजुकेशन कहाँ पर हुआ आपका और जो कब से आपको ये शौक हुआ जिम में ही ज्वाइन करूँगा मैं उसके तरफ? देखिए, मैं इंटरमीडिएट शाहदान कॉलेज से किया, फिर उसके बाद मेरी दिलचस्पी बॉडी बिल्डिंग की तरफ से थी और मैं 93 में साहब के पास गया था। तो मुझे जब नहीं मालूम था कि जीन्स पैंट पे एक्सरसाइज करना है या ट्रैक में करना है, टी शर्ट में, तो साहब जब मैं जूनियर इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए बाद कैम्प था, व्यायामशाला गया था, तो साहब मुझको बोले कि भाई जीन्स पैंट में आपको एक्सरसाइज करने नहीं दिया जाएगा, आप निक्कर लाइए, निक्कर ला के एक्सरसाइज करिए। तो फिर मैं गया, फिर मैं निक्कर लेके जाके फिर वो कैंप अटेंड किया, फिर उसके बाद मेरे को मालूम हुआ कि निक्कर क्यों पहनना चाहिए, जो हमारा वीक पॉइंट होता है लोअर होता है, जैसा कि आप कई बच्चे लोअर नहीं करते, तो साहब वो मेरा वीक पॉइंट भी बताना चाह रहे थे। फिर मुझे मैं वहाँ लोअर करा और रमज़ान के बावजूद मैं वो कैंप अटेंड करा। हम लोग मतलब बॉडी बिल्डर्स कोई बहाना नहीं करते, जाके करते हैं, रमज़ान हो, रोज़ा हो, उसके बावजूद मैं कैंप अटेंड किया और वो कैंप के बाद मुझे आसाम के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया। आपको क्या क्या परेशानी हुई यहाँ तक आप पहुँचने के लिए? देखिए, ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, साहब यहाँ पर है तो परेशानी मुसीबत तो हर एक के लिए आती है। स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम मेरे लिए था, वो टफ था वो टाइम, लेकिन फिर भी कोशिश करके हमारे साथ में हमारे कुछ अजीज़ दोस्त भी थे और कुछ चैनल वाले भी थे हमारे साथ, तो बहरहाल वो स्पॉन्सरशिप का जो टफ टाइम था वो भी गुजर गया। बॉडी बिल्डर्स के लिए सबसे ज़्यादा मैं अभी बात कर रहा था कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होता है, एक बॉडी बिल्डर की जो डाइट होती है, अगर प्रोफेशनल बनना है तो कम से कम 45,000 रुपीज़ का खर्चा होता है मंथली एक अच्छे बॉडी बिल्डर को, जैसा कि अब वाहिद कर रहे हैं और आसिम कर रहे हैं, कम से कम 45,000 रुपीज़। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे प्रॉब्लम हुआ था, हमारे ये बॉडी बिल्डर्स को ना हो और ये इंटरनेशनल तक गेम कर सके। अगर वो शख्स गरीब है, वो करना चाहता हो, क्या करना चाहिए, किसकी हेल्प लेना चाहिए? गरीब शख्स को भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता ना, 45,000 कहाँ से लेकर आएगा, तो उसके लिए कर सकते। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स नहीं बन सकते, वो लेवल तक नहीं जा सकते, मगर फिटनेस बना सकते हैं, बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। शुक्रिया। कि स्पोर्ट्स में हर एक स्पोर्ट्स को स्पॉन्सरशिप मिलती है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें स्पेंड जितना ज़्यादा है उतना अच्छा बॉडी बिल्डिंग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारे को इसमें सपोर्ट नहीं मिलता है। दूसरे स्पोर्ट्स को जो सो हेल्प बहुत मिलता है, देखते हैं आप लोग एथलीट्स को जो सो स्पॉन्सरशिप्स एक एक कंपनी देती है, लेकिन ये हर वक्त एक बॉडी बिल्डर के साथ होते आया है अभी तक कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है। तो मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से तेलंगाना की और आप लोग सबसे भी जो जो भी ये चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे। जी शुक्रिया। सर, आपको कैसा लगा आप इंडिया में सेलेक्ट हुए मुतशम भाई के जो है क्लब में? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों के बाद ये कामयाबी हासिल हुई है। तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग से मैं खेल रहा था तो बहुत मेहनत के बाद एक 4-5 साल के बाद सेकंड थर्ड आता था। अभी कुछ कोशिश करने के बाद तेलंगाना वाले ये रिकग्नाइज़ करें कि ये लड़का कुछ कर सकता है, तो गोल्ड हासिल हुआ मेरे को और यहाँ से सेलेक्शन मेरा मिस्टर इंडिया के लिए है और इंशाल्लाह बहुत कोशिश है और मुतशम भाई साथ में हैं, सर भी साथ में हैं, इंशाल्लाह कुछ बेस्ट करेंगे। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है
और अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। कितने घंटे आप जिम करते हैं और फूड पे क्या लेते हैं? जी मॉर्निंग 1 घंटा इवनिंग 1 घंटा करते हैं हम लोग, और प्रोटीन रिच डाइट रहती है हम लोग की, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम रहते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन से पहले उसका रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन हम लोग रखते हैं डाइट में, जो कि वेरी रिच रहता है, बैलेंस डाइट रहती है एवरीथिंग। आप कुछ मैसेज देंगे आवाम के लिए कि आपके ऐसे जो है यहाँ पर करना चाहिए, आपके ऐसे बनना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, आजकल जैसे मोतीश्याम भाई बोले हैं कि सबकी एक्टिविटी जो सो आजकल गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो शौक़ है लोगों का अपनी बॉडी को जो सो स्पॉइल कर रहे हैं, और स्मार्टफोन्स है जैसा कि फेसबुक है, इसके वजह से अपना हेल्थ ख़राब हो रहा है। तो हर एक को एक चाहिए कि 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स अपना टाइम जो सो जिम के लिए देंगे तो अपने हेल्थ के लिए बेनिफिट रहेगा, और जितनी हेल्थ अच्छी रहेगी तो जनरेशन जो सो हमारा इंडिया का लेवल जो है सो बढ़ता रहेगा अच्छा आगे। आपको कितना सपोर्ट है मोतीश्याम भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोतीश्याम भाई की वजह से हम लोग आगे मिस्टर इंडिया के लिए जा रहे हैं, नहीं तो मिस्टर तेलंगाना तक ही स्टॉप हो गया था, क्योंकि हम लोग उतना हम लोग को मालूम है कि अब जैसे कि दिल्ली के लिए जा रहे हैं तो फ्लाइट्स के लिए टिकट्स ही है, तो उसके लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा, 10,000 के ऊपर ही हो जाता है। तो मोतीश्याम भाई की वजह से थोड़ी सी एक पुश हुआ पीछे से कि करो आप लोग, मैं हूँ पीछे, हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रहने की वजह से एक बैक स्टैंडिंग है कि रहने की वजह से एक हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो हम लोग मिस्टर तेलंगाना तक ही रहते थे। और इंशाल्लाह इंटरनेशनल का भी जो सो इरादा है मोतीश्याम भाई का कि वो भी करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह करके रहेंगे वो भी। आपको कोई स्पॉन्सर नहीं मिला आपको अभी तक? ये तो जैसो लॉन्ग टाइम से एक परेशानी चल रही है तेलंगाना में, तेलंगाना की गवर्नमेंट भी ये चीज़ को जैसो देखना ज़रूरी है कि हम लोग का रिक्वायरमेंट जैसो फाइनेंशियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरी मंथ, जैसा कि मोतीश्याम भी बोले हैं 45 to 60,000 रुपीज़ एक रिक्वायरमेंट रहता है डाइट के ऊपर, हमारा जो शेड्यूल है उसके ऊपर। तो इसमें हमारा स्पॉन्सरशिप रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एज ए ट्रेनर्स है, जॉब करते हैं जितना भी रखता है, तो ये एक पैशन की वजह से हमारा पूरा पैसा उसी पे लगा देते हैं। तो और हमारा रिक्वायरमेंट फाइनेंशियली होना चाहिए, अगर से हमको अगर से फाइनेंशियली सपोर्ट और मिलेगा तो हम आगे और अच्छा कर सकते हैं। नासिन ये थे हमारे इंडिया के सेलेक्टर, दो प्लेयर्स हैं यहाँ पर जो इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए। इन लोगों को रिस्पॉन्सर नहीं मिलने की वजह से काफ़ी परेशान हैं ये लोग, और आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि कोई रिस्पॉन्स आए इसके लिए आगे बढ़े। यहाँ पर कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं मोहम्मद आदिल, अल्लाह हाफिज़। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आसिम खान है, मैं टोली चौकी का रहने वाला हूँ हैदराबाद का। जी सर आपको कैसा लग रहा आप इंडिया के लिए सेलेक्ट हुए? पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे वीकनेसेस होने के बाद भी, कमजोरियां होने के बाद भी मोतीश्याम भाई जो है क्या ऐसा बोलते हैं, बहुत सपोर्ट करते और ना एक इंसान का पोटेंशियल देख के उसको आगे ले आने की कोशिश करते, और वही तरीके से मेरे को समझे आगे बढ़ाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हो गया। जी सर आप सुबह में और शाम में कितने घंटे आप जिम करते? कभी देखिए कभी दो बार करते, कभी एक बार करते 2.5-3 घंटे, कभी दो बार करें तो 2.5-5 घंटे हो जाते हैं, 2.5-2.5 घंटे के 2 सेशन हो जाते हैं तो 5 घंटे वो हो जाते हैं। सर फूड में क्या लेते हैं आप? फैट रहती है और लो फैट रहता, अलग अलग टाइम पे डाइट को चेंज करते हैं, जैसा अब एक अंदाजन 30 से 40 अंडे हो जाते हैं दिन में, कभी 50 भी हो जाते। जी एक चिकन का क्वान्टिटी रहती, 1.5 किलो चिकन हो जाता। तो कितने परेशानियाँ हो रही हैं सब अफोर्ड करने के लिए? अब हर बॉडी बिल्डर के जैसा मेरे को भी वो एक इनिशियली जो प्रॉब्लम होती, जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती बॉडी बिल्डर को प्रॉब्लम तो रहती, हमेशा स्ट्रगल रहती। पर्सनल ट्रेनिंग के जरिए से हम लोग कमाते और क्या है ऑलमोस्ट पूरा ही लगा देना पड़ता। आपको गवर्नमेंट से कुछ मुतालबा है आपको कि जो है आपको सपोर्ट करना चाहिए, जैसा कि दूसरे गेम्स में जो है सपोर्ट करती है गवर्नमेंट? जी अगर वैसा सपोर्ट हम लोग को मिलेगा तो कई सारे और बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स निकलेंगे इंशाल्लाह। सपोर्ट नहीं होने की वजह से ही थोड़ा क्या है कमज़ोर है स्पोर्ट। जी स्पोर्ट कमज़ोर है, हालांकि अभी जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं अभी उन लोगों की वजह से बहुत अभी चल रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। जी अल्लाह तआला का शुक्रगुजार हूँ और मोतीश्याम भाई का शुक्रगुजार हूँ कि भाई लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा अनजान आदमी को भी बहुत अपना समझ के बहुत मदद करते हैं और ना उसको आगे ले जाते और लेके जाते कैसा भी। जी सर आप कुछ मैसेज देंगे पब्लिक के लिए जो आजकल जो है सिगरेट गुटखा वगैरह आम हो गया है उसके ताल्लुक से? बस ये है कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है, सिगरेट से दूर रहना है, टोबैको से दूर रहना है और जर्दे वगैरह से दूर रहना है, और डाइट मेंटेन करना है, इससे आपका बॉडी बिल्डिंग ही नहीं
आपकी नॉर्मल लाइफ भी अच्छी रहती, हेल्दी रहते आप और ना एक्टिव रहते आप काम ज़्यादा कर सकते और अलर्ट रहते आप पूरा दिन जी। तो नींद अच्छी लेना है, डाइट अच्छी रखना है, लाइफ स्पैन का भी वो हो जाता है, इसका लाइफ स्पैन भी। आप इंडिया जीत का है तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप। जरूर जरूर इंशाल्लाह। शुक्रिया। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप द शो लिंक्स, एंजॉय वॉचिंग वीडियोज।